Strike Rule. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। सो गाइस यार, आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ जो कि XML के ऊपर है। एंड होप गाइस आप सभी लाइक करेंगे XML सुन के, क्योंकि आपको XML बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मेरे को पता है। सो गाइस यार, एडिटिंग की बात करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कि ये है कि आप सभी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू मेंबर है तो उनको रिक्वेस्ट है जरूर चैनल से सब्सक्राइब करें। एंड गाइस यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो, जो मर्जी करके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सबसे पहले आपको क्या करना, आपको प्रोजेक्ट कैसे डाउनलोड करना वो मैं बताता हूँ। आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो जाके इसे डाउनलोड कर लेना। देन आपको अपने प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो लाइट मशीन को यहाँ से जैसे ओपन किया तो इस टाइप का इंटरफेस आया। देन प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे इस टाइप से प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा। एंड देन गाइस आपको बिटमार्क पड़ जाएगा, प्रोजेक्ट कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे लेयर्स होंगे। एंड यहाँ पे सारे लेयर्स आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे, इतने सारे ना। इन सभी पे आपको बस इमेज को इंपोर्ट करना है, आपका वीडियो बनके तैयार हो जाएगा। सो गाइस यार, यहाँ पे इमेज तो इंपोर्ट करेंगे, बट उससे पहले हम उसे क्रॉप करते हैं। एंड क्रॉप करने के लिए आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐप होंगे जो कि 9216 में आपका इमेज क्रॉप कर देंगे। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको लाइट मोशन डाउनलोड करके रखा हुआ आपने, तो एक्स्ट्रा कोई ऐप क्यों करना। आपको सिंपल से लाइट मोशन को ओपन करना, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना, 9216 वाला रेशो लेना, देन क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, मीडिया के ऑप्शन में जाएंगे गाइस। एंड यहाँ पे आपको जितने सारे भी इमेज देखने को मिल जाएंगे, तो ये सारे इमेज कैसे आपको डाउनलोड करना, तो लाइट मोशन सॉरी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। एंड इजली से वहाँ पे सारे जो है ये इमेज एचडी क्वालिटी में मिल जाएगा, तो जाके जैसे डाउनलोड कर सकते हो। देन गाइस आपको क्या करना, अपने फोटो को सिलेक्ट करना, थीडर पर टैप करना, फील कॉम्पोजिशन एरिया, एंड देन थोड़ा सा स्लाइड करके आगे की ओर जाना, सेटिंग के माइकस उस पर टैप करना, करंट फ्रेम एज पीएनजी पर टैप करके, एंड जैसे एक्सपोर्ट पर टैप करोगे इसी फ्रेम में एक्सपोर्ट होकर आ जाएगा। सो गाइस यार, इस स्टेप से एक्सपोर्ट हो जाएगा। देन सिंपल से सेव पे टैप करेंगे एंड इसको क्लोज कर लेंगे। को डिलीट करके आपको सेकंड वन को यहाँ पे ले आना, तो सेकंड वन कुछ इस टाइप से इमेज होगा। थीडर पे टैप करके फील कॉम्पोजिशन एरिया पे करेंगे एंड अगले बिटमार्क सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करके मैंने बिटमार्क लगाया। एंड इजीली से मैं उस बिटमार्क में जाके थोड़ा सा बस आपको स्लाइड करके आगे की ओर जाना, सेटिंग राइट माइकन स्विच पे टैप करना, करंट फ्रेम है पीएनजी पे टैप करके जैसे एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो इसी फ्रेम में एक्सपोर्ट होकर आ जाएगा। देन आपको क्या करना गाइस, सेव पे टैप करना, क्लोज करना इसको, बैक जाना। एंड देन गाइस आपको बिटमार्क को ओपन करना है, एंड ओपन करोगे तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो ऊपर जो सीसी है ना, यहाँ पे जो भी तीन लेयर है ना, ये जो रेड कलर का सीसी है, तो इनको मैं चेंज करना एंडिंग में बताऊंगा। एंड होप आप सबको आता होगा। तो गाइस यार, बात करते हैं एडिट कैसे करना। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में आना, एंड ये जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड पे टैप करेंगे एंड कलर फील के ऑप्शन में जाएंगे, सिलेक्ट मीडियम पे टैप करेंगे गाइस। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपल से यहाँ पे बैकग्राउंड को लेना जो कि स्टेप्स होगा, देन प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना जो कि टॉप पे होगा। एनी स्टेप्स आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे टैक्स वगैरह इफेक्ट वगैरह भी लगे होगा, तो आपको इस पर टैप करना, एडिट पे जाना, एंड यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने एक लाइन में इनको कर लिया, देन सिंपल से ठीक है, फाउंट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। एंड देन कैसे उसके आगे जो पीएनजी लिखने को मिल जाएगा, हैप्पी बर्थडे पीएनजी, तो उसको रिप्लेस करना, तो उसके लिए आपको इस पर टैप करना, कलर एंड फील के ऑप्शन में जाएंगे, सिलेक्ट मीडियम पे टैप करेंगे, एंड यहाँ पे इस टाइप से हैप्पी बर्थडे लिख के आएगा, तो उसको सिंपल से प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे, ये हो जाए ऐड हो जाएगा। एंड देन गाइस उसके आगे जितने सारे भी लेयर्स उन सभी पे इमेज लगाना। सो कैसे लगाना वो मैं बताता हूँ, सिंपल से इस पर टैप करना, कलर एंड फील के ऑप्शन में जाना, सिलेक्ट मीडियम पे टैप करना। एंड देन गाइस अभी आपने लाइट मोशन से क्रॉप किया, सो लाइट मोशन का फोल्डर सिलेक्ट करोगे, इमेज को सिलेक्ट करोगे जो कि इस टाइप से होगा, देन प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे, एंड देन स्लाइड करके आगे की ओर जाएंगे, कलर एंड फील के ऑप्शन में सिलेक्ट मीडियम पे टैप करेंगे, नेक्स्ट वाले इमेज को सिलेक्ट करके प्लस वाले का, और जो कि ये जो गंदा सा जो फिल्टर लगवाना गाइस, वो रेड कलर है, वो आपको जो अगर इमेज कुछ स्टेप्स अगर होगा ना तो देख सकते हो, अगर इमेज आपका ज्यादा साफ होगा तो ये स्टेप से देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने इमेज के हिसाब से देख सकते हो, जो भी आपको पसंद आए वो लगा सकते हो। यहाँ पे रेड कलर लगाओ, मैं चेंज करना भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इमेज इंपोर्ट करना, होप आ गया होगा, तो इसको थीडर पर टैप करके फील कॉम्पोजिशन एरिया कर दे जो कि स्टेप से हो जाएगा। एंड देन गाइस जो डबल डबल लेयर है ना, उन सभी पे आपको क्या करना, सेम ही इमेज को दो बार इंपोर्ट करना। तो यहाँ पे मैं सेम ही इमेज को दो बार इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि स्टेप से होगा। एंड देन सेकंड वाले पे भी इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टेप से इंपोर्ट किया। एंड गाइस होप आप सबको ये तो आता ही होगा। आपको क्या करना, सिंपल से इस पे टैप करना, कलर एंड फील के ऑप्शन में सिलेक्ट मीडियम पे टैप करना, इमेज को सिलेक्ट करना, एंड देन प्लस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना, और ये जो ऐड हो जाएगा। सो इसी टाइप से गाइस जो आगे जो ग्रुपों वाले लेयर है ना, उनको रिप्लेस करने के लिए क्या करना,
यहाँ पे आपको दो इमेज को डालना है इकट्ठे। तो सबसे ऊपर वाले लेयर पे जाते हैं, देन एडिट ग्रुप में जाएंगे, तो यहाँ पे स्टेप से होगा। तो जो कि मेरा चैनल का जहाँ पे भी नाम लिखा होगा ना, उसके नीचे एक लेयर देखने को मिलेगा जो कि इस स्टेप से, जो यहाँ पे आपको साइड में ना ये जो है ना ये एरर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे इमेज इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा। सिंपल से इस पर टैप करेंगे, कलर फील के ऑप्शन में जाएंगे, सेलेक्ट मीड पर टैप करेंगे, देन जो इमेज आपने क्रॉप करा होगा ना उस इमेज को सेलेक्ट करना, देन बैक जाएंगे एंड यहाँ पे देखोगे स्लाइड करके आगे क्यों जाओगे। एंड जब भी ग्रुप से बैक होगे आप स्टार्टिंग में पहुँच जाओगे, तो यहाँ पे स्लाइड करके आगे की ओर जाते हैं। एंड देन गाइज यहाँ पे आपको ये रहा ग्रुप, तो यहाँ पे जाओगे तो एक इमेज आपका इंपोर्ट हो गया। देन नीचे वाले ग्रुप में टैप करेंगे, एडिट ग्रुप में जाएंगे गाइज, एंड यहाँ पे सेकंड वाले इमेज को लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड वाले इमेज को मैं सेलेक्ट करूँ जो कि इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा आप सभी को, तो ये मैं रख लेता हूँ। देन प्लस वाले ऑप्शन पे यानी ये ऐड हो गया। एंड देख सकते हो गाइज स्लाइड करके हम आगे की ओर जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप अलग अलग लगा सकते हो, एंड उसके आगे भी आपको जितने सारे लेयर्स मिल रहे गाइज उन सब पे आप अलग अलग इमेज लगाना, और आपको होप इमेज में कोई इशू नहीं आएगा। एंड यहाँ पे ग्रुप है तो होप आप ग्रुप को भी समझ गए होंगे, ठीक है गाइज। तो इमेज सबको इंपोर्ट करें, देन एक्सपोर्ट कैसे करना, सेटिंग राइस माइक्रोसॉफ्ट पे टैप करना, और वीडियो पे टैप करने के बाद एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। जिनका एक्सपोर्ट नहीं होगा वीडियो का एरो है गाइस, तो उस पर टैप करना ये एरो पे, एंड देन यहाँ से क्वालिटी वगैरह लो कर सकते हो। देन जैसे एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो इसी फ्रेम में एक्सपोर्ट होकर आ जाएगा। सो गाइस यार कैसे लगे आज की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जो भी हमारे चैनल पर नहीं है या पहली बार आते चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।